आप सभी का नेहास क्रिएटिव किचन में स्वागत है। आज हम बनाएंगे पिनव्हील समोसा। जिन्हें भी समोसा खाना पसंद है उन्हें यह रेसिपी बहुत ही पसंद आएगी और ये समोसों से जल्दी बन जाते हैं और इन्हें बनाना बहुत ही आसान है। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें मेरे चैनल को। चलिए फिर बनाना शुरू करते हैं। हम एक बर्तन लेंगे और उसमें 2 कप मैदा डालेंगे। आधा चम्मच नमक डाल देंगे इसमें हम। 5 से 6 चम्मच इसमें हम रिफाइंड ऑयल डालेंगे मोयन के लिए। आप मोयन के लिए घी या रिफाइंड ऑयल कुछ भी डाल सकते हैं। अब इसे हम हाथों से मिक्स कर देंगे और थोड़ा थोड़ा पानी डालकर अब हम इसका एक डो तैयार कर लेंगे। हमें बहुत ज़्यादा डो को सॉफ्ट नहीं करना है। हम जैसे पूड़ियों के लिए आटा लगाते हैं बस उसी तरह से हमें इसका डो लगाना है। इसे हम ढक करके 10 मिनट के लिए सेट होने के लिए रख देंगे। अब हम स्टफिंग तैयार करेंगे। हम एक कढ़ाई लेंगे, उसमें 2 चम्मच तेल लेंगे, गैस ऑन करेंगे और तेल गर्म कर लेंगे। तेल गर्म हो जाने पर हम इसमें 1/2 चम्मच जीरा डालेंगे। 2 हरी मिर्च को भी काट करके डालेंगे इसमें। जीरा और मिर्च जब भुन जाएंगे तब अब इसमें आलू डालेंगे। हम आलूओं को उबाल लेंगे और उन्हें छील करके मैश कर लेंगे। यहाँ पर मैंने 6 मीडियम साइज़ के आलूओं को उबाल करके मैश करके इसमें डाल दिया है। अब हम मसाले डालेंगे। 1/2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर डाल देंगे पहले। एक चम्मच हम इसमें धनिया पाउडर डालेंगे और 1 चम्मच गरम मसाला। और अब हम इन सभी चीजों को मिक्स कर देंगे। अब इसमें हम 1 चम्मच आमचूर पाउडर भी डालेंगे। आमचूर पाउडर से इसमें बहुत अच्छा टेस्ट आ जाता है। हम इसको चलाते हुए अच्छे से भून लेंगे। देखिए स्टफिंग भुन गई है। अब इसमें हम अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डाल देंगे। थोड़ी हरी धनिया पत्ती भी हम काट के डालेंगे इसमें। एक चौथाई चम्मच इसमें हम काली मिर्च भी डालेंगे और गैस ऑफ कर देंगे और सभी चीज़ों को मिक्स कर लेंगे। इसे अब हम ठंडा हो जाने देंगे। मैदे का हम एक पतला घोल तैयार करेंगे। अब इसे बनाने के लिए हम एक बर्तन लेंगे, उसमें 2 चम्मच हम मैदे के डालेंगे। इसमें अब हम पानी डाल करके इसका घोल तैयार कर लेंगे। हमें एक पतला घोल तैयार करना है, इसके लिए हमें 2 चम्मच मैदे में सिर्फ 1/2 कप पानी डालना है। बस इतना पतला ही बैटर हमें तैयार करना है। अब जो हमने डो बना करके रखा था उसमें से हम 1 बड़ी लोई ले लेंगे। और इस लोई में हम थोड़ा सा सूखा मैदा लगा करके अब हम इसे बेलेंगे।
हमें इसे पतला पतला बेल लेना है। देखिए बस इतना पतला ही हमें बेलना है इसको। जो हमने स्टफिंग बना करके रखी है अब इसे हम इस पर डाल देंगे। और हाथों से इसे हमें पूरे पे फैला देना है। और इसका फिर हम अब रोल बनाएंगे। हम इसे पहले एक साइड से थोड़ा सा मोड़ देंगे और फिर दूसरी साइड से हम इसे रोल कर देंगे। और लास्ट कॉर्नर में हम इसको इस पर जो हमने बैटर बना के रखा था उसको लगा देंगे, जिससे ये जब हम इसे तलेंगे तो ये खुलेगा नहीं। अब हम इसे इसको अच्छे से चिपका देंगे रोल को, और जो दूसरी साइड खुला हुआ है रोल उसमें भी थोड़ा सा ये लगा करके बैटर उसे भी मोड़ देंगे। और इसे अब हम चाकू से काट लेंगे पीसेस में, करीब एक एक इंच के पीसेस हम इसके काट लेंगे। और हाथों में इसे उठा करके सीधा करके और इसे ऐसे दबा देंगे और ये रोल बन करके तैयार हो जाएंगे। और अब बाकी के आटे से हम ऐसे ही सारे पेनव्हील समोसे बना करके तैयार कर लेंगे। इनको अब हम डीप फ्राई करेंगे। इसके लिए हम एक कढ़ाई में तेल ले लेंगे और उसे गर्म कर लेंगे गैस ऑन करके। एक एक पेनव्हील समोसे को हम उसमें बैटर में डिप करेंगे और फिर हम इसे कढ़ाई में डालेंगे। देखिए इस तरह से हम बैटर में ऐसे इसको डिप कर लेंगे दोनों साइड से और फिर कढ़ाई में हम इसे फ्राई करेंगे। हम बैटर में इसे इसलिए डिप करते हैं जिससे इसकी स्टफिंग बाहर ना निकले। अगर आप इन्हें डायरेक्ट ऐसे ही फ्राई करेंगे तो इसकी स्टफिंग बाहर निकल जाएगी। इनको अब हम एक मिनट तक ऐसे ही कढ़ाई में सिकने देंगे, उसके बाद हम इन्हें पलटेंगे। और अब हम इसे दूसरी साइड पलट करके भी सेकेंगे। इनको हमें गोल्डन ब्राउन हो जाने तक की सेकना है। गैस की फ्लेम को हमें मीडियम ही रखना है। मीडियम फ्लेम पर ये अंदर से अच्छे से पक भी जाएंगे और बाहर से खस्ता हो जाएंगे। देखिए ये अच्छे से फ्राई हो गए हैं, ये गोल्डन ब्राउन भी हो गए हैं। अब हम इन्हें एक प्लेट में निकाल लेंगे। और अब बाकी के बचे हुए भी हम इसी तरह से इनको इसमें तल लेंगे। ये खाने में बहुत ही अच्छे लगते हैं, आप इन्हें जरूर बनाइएगा। आपके घर में कोई भी पार्टी हो या गेस्ट आ रहे हो तो आप ऐसे रोल पहले बना कर के तैयार रख लीजिए और गर्मा गर्म तल करके सर्व करिए, ये सभी को बहुत पसंद आएंगे। इसे आप हरी चटनी, इमली की चटनी या फिर सॉस के साथ सर्व करें। अगर आपको मेरी ये पिनव्हील समोसे की रेसिपी पसंद आई है तो आप इसे एक बार ज़रूर बनाइए और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसी लगी। अगर आपको अच्छी लगे तो इसे लाइक ज़रूर करिएगा, शेयर करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और साथ ही बेल आइकन को दबाएं जिससे मेरी न्यू रेसिपी का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिले। फिर मिलते हैं ऐसी ही न्यू रेसिपीज़ के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।